मेरा, तू धड़कन मेरी, तू ही दर्द मेरा, तू ही जान मेरी। ए दोस्त मेरे तुझसे मेरा जहां, ए दोस्त मेरे तुझसे मेरा जहां। तू साथ है मेरे मुझे कोई गम नहीं, तू साथ है मेरे मुझे कोई गम नहीं। ए दोस्त मेरे तुझसे मेरा जहां, यार मेरी यारी को सलाम, यार मेरी यारी को सलाम, यार मेरी यारी को सलाम, यार मेरी यारी को सलाम। दोस्तों ये है हमारा अभिषेक जो मेरा दो मेरा साला है, हम दोनों आज गाना गाए, और जो दीनू भाई है हमारा म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे, हम एक डांस मास्टर, एक डांस गाना लिखे भाई, हाँ जाकिर भाई, जाकिर भाई जो है हमारा बहुत अच्छे कंपोजर है, रिलीज राइटर है। प्लीज आ जाओ जाकिर भाई, कहाँ है, बुलाइए जाकिर भाई को। मैं भी आ गया। तू ही दिल है मेरा, तू ही दिल है मेरा, तू धड़कन मेरी, तू ही दर्द मेरा, तू ही जान मेरी, तू ही जान मेरी, तू ही दिल है मेरा, तू ही दिल है मेरा, तू धड़कन मेरी, तू धड़कन मेरी, तू ही दर्द मेरा, तू दर्द मेरा, तू जा मेरी, तू जा मेरी। ए दोस्त मेरे, ए दोस्त मेरे, तुझसे मेरा जहां, तुझसे मेरा जहां। यारा तेरी यारी को सलाम, यारा तेरी यारी को सलाम। शुक्रिया करता हूँ दीन मोहम्मद साहब का और कल्याण जी जाना का, थैंक यू सर, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि इनके इस काम को कामयाबी मिले। महीने में दो गाना हम लोग गवाना है, और साल का 22 का गाना है, कोटा पूरा करना है, तो 22 गाना आपको साहब को दिया हूँ मैं, मतलब 22 गाना हमें देना है, शायद 22 गाने के में एक गाना मेरा हिट हो जाए बस, मतलब सब गाना हिट नहीं चाहिए, एक ही गाना हिट चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, ये जो देखिए, ये देखिए, ये देखिए मेरा भाई ने, क्या बात है, स्टैम्प लेके आया मेरे लिए दुबई से, तो कलीम साहब हमारे दुबई से है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मचान ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक है, सर बताइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं शेख कलीम दुबई से हूँ, मेरी कंपनियाँ हैं दुबई, ओमान और इंडिया में और यूके में, हमारा बिजनेस इवेंट मैनेजमेंट है, रेसलिंग शो करते हैं, इंटरटेनमेंट्स बहुत सारे शोज करते हैं, कल्याण जी के साथ जुड़े हैं, हर चीज़ में कल्याण जी के साथ हम रहेंगे, हर काम में रहेंगे और सबकी मदद भी करेंगे, और बहुत जल्द हम 6 अगस्त 2020 में हम दादा साहब फाल्के अवार्ड कर रहे हैं, एकदम बढ़िया पे, आप सबकी दुआ चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, तो हम बहुत अच्छे इससे करना चाह रहे हैं, और आइए आप लोग सब दुबई, दुबई में अभी नेक्स्ट ईयर 2020 एक्सपो है, ये 2020 एक्सपो बहुत ही बड़ा है, 6 महीने का है, अक्टूबर से शुरू होगा, अप्रैल तक चलेगा, दुनिया के सारे लोग आएंगे उधर, आप भी आइए, बहुत बड़ा एक्सपो है, आप देखिए दुबई तो ऐसे बहुत फेमस है, लेकिन इस बार एक्सपो में देखिए कि सब लोग आ रहे हैं, सारी दुनिया के लोग, आप भी आइए इस एक्सपो में के अंदर ही, हम लोग उससे पहले हम लोग ये शो कर रहे हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, एकदम बढ़िया, और बहुत सारे सेलिब्रिटी सिंगर्स, बहुत सारे दुनिया के इंग्लिश वाले भी आएंगे, इंडियंस भी आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, आप सब आइए, शुक्रिया, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह से के कल्याण जी को, और कल्याण जी जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उसको कामयाब करे, और इन सब जो भी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह इनको भी इसका अजर दे, आमीन आमीन। शुक्रिया भाई, दीनू भाई, हां मेरे दीप मोहम्मद साहब, आज भी जाकर अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, आज जो है ये कल्याण जी भाई का गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, दोस्ती पे है, और साले साहब बेनोई साहब ने गाया है, बहुत ही अच्छा गाना गाया है, और मैं सभी को बोलता हूँ कि एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, और इनको बहुत बहुत जो है ये शुभकामनाएं, थैंक यू मेरी तरफ से, और ये भाईजान को शुक्रिया, और भाईजान को भी। अभिषेक कुछ बोलो तुम, आज इतने हमारे गुरु मिला दोनों, जाकिर भाई और दीन मोहम्मद भाई, क्या बताओ। अच्छी, बहुत ही अच्छा लग रहा है इनके साथ काम का, एक्चुअली फर्स्ट टाइम था हमारा, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ में, तो आगे हम इन्हें बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे सुन के मामले में, थोड़े थक गए थे हम, तो बहुत ही अच्छा नया था इसलिए हम लोग कुछ नया था हम लोगों के लिए यहाँ पर, सब सारे नए लोगों से मिले हम, तो आगे भी जुड़ना चाहेंगे हम इनके साथ में,
तो दुआ करूंगा कि आगे ऐसे ही हमारा हमारे सॉन्ग्स जो हिट होते जाए। अब ये देखना है कि ये सॉन्ग में हमने क्या प्रेफर डाला हुआ हम लोगों का। हमारे और भी गेस्ट है, उत्तम जी है जो सूरत से आए हैं, जो हमारे बहुत बड़े समाजसेवक है, मेरे भाईजान आए हैं और उसके साथ साथ मेरे मैडम आए। मैं हम लोग घुमाते हैं कैमरा, थोड़ा सा लास्ट घुमाते हैं। एक मिनट कल्याण जी, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना ने मौका दिया हमारे कल्याण जी को और उनके साले हैं, उनके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और मेरे लायक कभी भी कोई खिदमत होगी तो बताइए, जरूर दुबई आइए, ओमान आइए, आप लोगों से जो जो मेरे से मदद चाहिए मैं जरूर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा गाना गाया, उनको विश गुड लक विश कर रहे। थैंक यू। बहुत सालों से है इंडस्ट्री में, काफ़ी स्टारों को उन्होंने गाना, मतलब काफ़ी सिंगर को उन्होंने गाना गवाया यहाँ पर, और बहुत सीनियर है और हम तो बच्चा है, अभी हम नया है, तो इनकी आशीर्वाद हमें मिला। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, मिलिंद सर थैंक यू सो मच। मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं जो सूरत से आए हैं। सर प्लीज़ आप बताइए भैया। मैं एक्चुअली गुजरात सूरत से हूँ, मोदी जी युवा संगठन नेशनल सेक्रेटरी आरिफ कालवा, और मैं ऐसे शौक से सिंगर हूँ, मैं खुद कवाल हूँ, और ऐसे मेरा हम भी मुही बना रहे, और हमारे भाई ये साथ में उत्तम जी, वो आपको आगे बताएंगे। उत्तम जी यहाँ पे आ जाओ। कट के मैंने मेरा नाम उत्तम महेश्वरी है, और आज कल्याण भाई की एक रिकॉर्डिंग है जिसमें हम लोग आए हैं, सारी चीज कर रहे थे पर जो एक लास्ट कमी थी वो भी आज नहीं छोड़ा, जो गाना कल्याण भाई से गवाई दिया। और कल्याण भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेष, इनका गाना सुपर टूपर ब्लॉकबस्टर हिट जाए, और देश के सभी देशवासियों को नव वर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ पूछे ना, आने वाला क्या काम है? हाँ, नहीं अभी मैं वो पूछा था, मैं पूछा था सर कि आपने अभी सुना कल्याण जी की आवाज़ सुनी, क्या लगा आपको? आपने वैसे तो बहुत गाने सुने होंगे लेकिन आज फर्स्ट टाइम कल्याण जी गा रहे हैं, आपने उनकी आवाज़ सुनी, इस बारे में? मेरे को अपने दोस्त की याद आ गई थी, पुराने जो बचपन के दोस्त हैं, मैं खो गया था जब यहाँ मिलिंद भाई रिकॉर्डिंग पे कुछ एडिटिंग कुछ मिक्सिंग और कर रहे थे, मैं वहाँ खो चुका था, दोस्तों की याद आ गए थे पुराने जो स्कूल के कॉलेज के टाइम के दोस्त थे, तो मेरे को लगता है जब गाना आएगा तो वो दोस्ती फिर से याद आ जाएगी। अच्छा, ये एक साल में 22 गाने देने वाले हैं, क्या लगता है आपको आज का जो देख के? मिलिंद सर आपसे भी सवाल है, क्या लगता है आपको कि 22 गाने देने वाले हैं ये? जरूर हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। थैंक यू लग रहा है, क्योंकि आज आपने तो कहीं सिंगर को देखा होगा, आज पहली बार कल्याण जी गा रहे हैं, बहुत फास्ट गाना गाया उन्होंने आज और जल्दी कर लिया, सिंगिंग का रजनीकांत हो गया। माफ करना, मेरे साथ मेरी यूके से मेरे मैडम की सिंगिंग कैसी लगी आपको? सिंगिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं भी सिंगर हूँ, और जो इनकी जो थाम है गाने में, जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो गा रहे थे, उसमें मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं कह चाहती हूँ कि वो 22 नहीं 25 गाने एक साल में बनाएं, तो ये मेरी शुभकामनाएं इनके लिए, और मेरा आशीर्वाद और बाबा का आशीर्वाद। अच्छा, आपका सपोर्ट कितना रहे, कितना टिप्स वगैरह देंगे आप, क्योंकि आप भी एक सिंगर हैं? जरूर देंगे, इसीलिए तो उन्होंने मुझे, मेरा सौभाग्य है कि मैं आ गई, क्योंकि मैं बिल्कुल यहीं पर पास में ही थी मेरी फ्रेंड के घर पर, वैसे मैं मड आइलैंड में रहती हूँ, तो वहाँ पर होती तो मैं नहीं आ सकती थी शायद, पर फॉर्चुनेटली आई वॉज विजिटिंग, सो it was very my pleasure to be here, and then congratulations and wish you all the best. Okay, thank you. इनको मैंने बुलाया था मेरे अवार्ड शो में लेकिन वो नहीं आ पाए थे, गोवा में थे, तो अभी नेक्स्ट, अभी जो हमारा अवार्ड शो है 6 अगस्त को दुबई में, तो मैम हमारे साथ में आ रहे हैं, क्योंकि US में मैम ने बहुत टाइम उन्होंने निकाला है, वहाँ पर गरीबों को, गरीब जो बच्चे होता है वहाँ पर उनको, मतलब गरीब के लिए बहुत वो जीते हैं, हीलिंग और काउंसलिंग फ्री में करते हैं, 50 साल से कर रही हूं, 50 साल से गरीबों के लिए। तो मैं सबसे बड़ी बात है, मैं घूम के बताता हूँ, ये जो है ये एक हिंदुस्तानी नारी है लेकिन इंडिया का नाम रोशन किया है US में, 50 इयर्स तक फ्री में बिना पैसे में, एक इंडिया के ऐसे नारी मैडम जिन्होंने पूरी 50 साल तक उन्होंने सभी को मतलब फ्री में, लोग निकाले, हाँ, हीलिंग से, कोमा में से निकाले, डिप्रेशन से निकाले, बहुत बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं करता, मैं उसमें मैं आपको आपको मैं इसलिए मैंने बुलाया था मेरे शो में, अच्छा। आपको सम्मान करने के लिए इतना, और अभी इंडिया में शिफ्ट हुए हैं, और मैडम को गाना गाने का, एक्टिंग करने का बहुत, मतलब उनको बहुत शौक है, तो मैं चाहता हूँ हम लोग एक जुड़ के एक टीम बनाए और साथ में अपन करें। एंड मैं चाहता हूँ लास्ट में सर कुछ बताएं, दुबई का जो हमारा शो है वो तो आपने बोल ही दिया है जी, लेकिन उस शो को हम किस तरीके से हम करेंगे और कितना मीडिया यहाँ से हम जाएंगे वहाँ पर? मैंने 20 मीडिया हमने अनाउंस किया था, 20-25 मीडिया ले जाएंगे, इसके बावजूद हम वहाँ के जो अरबी हैं, शेख हैं, उनको लेके जुड़ के सब करेंगे, सारों को मिला के करेंगे, क्योंकि सबके साथ, सबका साथ भी चाहिए इसके अंदर,
सब लोगों को लेके हम एकदम बढ़िया शो करेंगे, ये सब आपकी दुआओं से। और एकदम इसके अंदर इंटरटेनमेंट होगा, फैशन शो होगा, एकदम थोड़ा हटके होगा, जैसा दादा साहब फाल्के का इतना बड़ा नाम है, सब जगह में करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके लिए कि चले दुबई में भी जाके करेंगे, ताकि वहाँ की फैमिली और 2020 एक्सपो भी आ रहे हैं, उसके लिए भी हम चाहते हैं कि जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं इस शो पे। और हम डेट तो फिक्स हो गए अपनी 6 अगस्त का जी, तो टाइमिंग गेमिंग सब करके इसके बाद में फिर रिलीज़ करेंगे हम लोग। और मेरे तरफ से सारे इंडिया वालों को, सारे दुनिया वालों को हैप्पी न्यू ईयर, और आप सब आइए हमारे शो में, आप सब हम सबका साथ दीजिए। और कल्याण जी के लिए हमेशा आप सब की दुआएं चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। कल्याण सर, कोई सब माइंड में है, दिमाग में इस एक्टर को लेके जाना है, इस एक्ट्रेस को लेके जाना है, ऐसा कुछ माइंड में है कि इनको बुलाना है वहाँ पे? जी जी बिल्कुल, ये मेरे भाई मेरी जान है, ठीक है। इनके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अरबिक लोगों से भी, मेरा ओमान में, दुबई में और इंडिया और यूके में सब कुछ है, और इसके बावजूद इनको मैं चाहता हूँ कि हमारे उधर अरबिक इंडस्ट्री है, उनसे भी मिलाऊँ, उनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊँ। उस कुछ सीरियल्स हैं वहाँ के, अरबिक फिल्म्स आते हैं, उसमें भी कुछ लेके जाके इनसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे, इनको काम दिलवाएंगे, अरबी सिखाएंगे। जी अरबी भी सिखाएंगे। हमारी रेसलिंग शो में, हमारी रेसलिंग शो होती है, उसमें अमेरिकन होते हैं, इंडियंस होते हैं, कैनेडियंस, सारे मुल्कों के रेसलर्स आते हैं। उस रेसलिंग में भी कल्याण जी एंकरिंग भी करेंगे उन अंग्रेज़ों के साथ में, हिंदी में, और उसके बाद एक्टिंग भी करेंगे मेरे भाई। थैंक यू, थैंक यू। उत्तम जी जो है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है हम दोनों भाई का, लेकिन हम लोग फ़ोन में बातें करते हैं, हम लोग व्हाट्सअप पे चैट करते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने वादा किया है कल्याण जी, दादा साहब फाल्के आपको मैं सपोर्ट करेंगे। और उत्तम जी जो है एक अच्छा समाजसेवक है सूरत के, गुजरात के, और उत्तम जी कभी भी ज़िंदगी में लोगों को अच्छा ही किया है, कभी बुरा नहीं किया है, और मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। हर वक्त कभी भी बुलाया मुंबई में, दोनों साहब मेरे लिए हाजिर हुआ है, एंड थैंक यू सो मच। ऐसा ही मुझे प्यार देते रहिए, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे साथ हो तो मैं, मुझे कुछ औकात मैं बना सकता हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का मोहब्बत, आप लोगों का प्यार बना रहे, एंड थैंक यू सो मच। नया साल आ रहा है आप सभी को, एक दिन के बाद आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज़ 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 जो भी गलती किया हूँ मैं एक साल में, मुझे माफ़ कर देना, और जो भी मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे दुआ देना। और थैंक यू सो मच अभिषेक जो मेरे सिंगर है, और उसके साथ साथ में हमारे महान कलाकार जिसको हम महानायक कहते हैं, सदियों के महानायक, और हमारी गुरु, इंडस्ट्री के गुरु, और सभी के हम फिल्म इंडस्ट्री के देवता हम उसको कहते हैं, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन साहब, श्री अमिताभ बच्चन साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। तो उनको मैं सभी देशवासियों से और जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सभी से मैं उनको इतना ही बोलता हूँ, जो अभी उनको मिल गया लेकिन उनको और भी काम करना है, तो बधाई देता हूँ। दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स के ये पूरी परिवार है, हमारा जो बॉडी का जो मेंबर है, बॉडी मेंबर में जैसा ये हमारा मेन मेंबर है, ये हमारा मेन मेंबर है, तो दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स जो बॉडी के जो पूरी मेंबर यहाँ पर खड़े हैं, इन सभी मेंबर की तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से, श्री अमिताभ बच्चन साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने की वजह से उनको सभी उनको शुभकामना, दिल से उनको हम लोग शुभकामना दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े कलाकार हैं। और मैं चाहता हूँ दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म जो हम दुबई में कर रहे हैं, वो भी हम अमिताभ बच्चन साहब को हम दे दुबई में, ये हमारा मन की इच्छा है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच पुष्कर जी, एंड थैंक यू सो मच जो कैमरा आज आए हैं, हमारे हैदर जी जो बॉलीवुड की बातें, पुष्कर जी खबर 24, आप दोनों को अब हम दुबई लेके जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच सर। कुछ लास्ट जाते जाते अमिताभ जी, उत्तम जी की उत्तम बात, उत्तम जी को उत्तम बात है, क्योंकि अमिताभ जी को मिला है तो जल्दी उन्हीं को देखो, तो आज मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूँ, आज मैं जब से बच्चा था तब से उनको देखता आ रहा हूँ, और आज उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं को देखते, उन्हीं की ब्लेसिंग से मोदी जी युवा संगठन का नेशनल सेक्रेटरी हूँ, और गुजरात से जब गुजरात के सीएम थे मोदी जी, तब से मैं 2012 से उनका पीएम प्रचारक हूँ। जैसे साफ ड्रेसिंग पहन रहे वही ड्रेसिंग मैं पहनता हूँ, जैसे शूज पहन रहे हैं साहब वही शूज मैं पहनता हूँ, और पूरे भारत में मैं पब्लिक सिटी साहब के लिए काम कर रहा हूँ। पीएम
के लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ पीएम का खुद का। क्या इसलिए आपने यूनिफॉर्म मतलब ये कुर्ता सेम पहनते हो? सेम सेम जी। Okay. ये मोदी जी युवा संगठन के महासचिव है आईटी सेल एंड मीडिया सेल के उत्तम जाजू गुजरात सूरत से। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।